दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ है डॉक्टर साहिम हुसैन, नमस्कार, जो कि सीनियर साइंटिस्ट है और यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र हमारा ईशियंग जिले अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे एक पासीघाट जिले का स्मार्ट सिटी है। और यहाँ पे एक तीन कॉलेजेस है हमारा इंटीरियर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में अंडर CAU देयर आर 17 colleges. Among the 17 colleges, the three colleges are here in this Pasighat, the Ismart City. That is the College of Horticulture, the College of Agriculture, and the College of Forestry. Here with me, the Dr. Shah Hussain, the senior scientist, come the HOD of this KVK. Sir, आप बताइए हमारे अरुणाचल प्रदेश में फिश पानी की स्कोप कैसा है? जैसे कि जानते हैं हम लोग का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितना भी मछली हम लोग का मार्केट में मिलता है उसमें बहुत कम मछली हम लोग का प्रोडक्शन से होता है। मैक्सिमम मछली हम लोग जो आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, तो आउट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हम लोग उन लोग को ट्रक्स के द्वारा तो आइस हम लोग ला के यहाँ पे मार्केट में सेल होता है। और थोड़ा बहुत जो मछली है हम लोग का नदी से कलेक्ट होता है और बहुत कम परसेंटेज हम लोग का पोखरी से मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का प्रोडक्शन लेवल बहुत कम है और प्रोडक्शन लेवल कम होने के कारण ही हम लोग का एक बहुत बड़ा स्कोप है कि इस फिश फार्मिंग को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मार्केट इज अवेलेबल। अगर हम लोग का मार्केट है, अगर प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग अच्छे से सेल करके अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। और फिश फार्मिंग ऐसे ही एंटरप्राइज है जहाँ पे जहाँ कुछ पथरीले ज़मीन हो गया या जहाँ ब्रेन लेन हो गया, जहाँ कुछ नहीं कर सकते वहाँ तालाब वगैरह खोद के हम लोग अच्छा आने कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग का ईशियांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर आएंगे तो हम लोग का ईशियांग डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। बारिश होने का कारण इतना बारिश होता है खेती ख़राब हो जाता है। लेकिन हम लोग का जो वेजिटेबल कल्टीवेशन होता है या दूसरा जो हम लोग कैश क्रॉप करता है उसमें विंटर सीजन में ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे केबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, टमाटर हो गया, तो उसमें हम लोग का पानी का हमेशा प्रॉब्लम होता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग का पोन अगर बना सकते हैं या लाइफ वगैरह इसके लिए कर सकते हैं इंटीग्रेशन में करने से हम लोग का अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। तो इसके कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र एशियांग में पोन बनाया है जो पोलिथीन लाइनिंग का से बनाया है, पोलिथीन लाइनिंग का। तो जनरली पोखरी में यहाँ क्योंकि पोलिथीन लाइनिंग हर जगह पर जरूरी नहीं है, जैसे कि हम लोग का आसाम वगैरह में जो नॉर्थ ईस्ट है जहाँ क्ले सोइल है वहाँ पानी का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छा होता है, उसमें जरूरी नहीं है कि पोलिथीन लाइनिंग देना ही है। यहाँ में सैंडी होता है, यहाँ पर सैंडी होता है, फिर स्टोनी होता है, जिसके वजह से सर हम लोग का यहाँ पे पोलिथीन लाइनिंग का जरूरत पड़ता है। तो पोलिथीन नहीं होती भी सीमेंट कंक्रीट भी बना सकते, सीमेंट कंक्रीट भी बना सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक देखने से पोलिथीन सस्ता होता है। एक पोलिथीन लाइनिंग टैंक में हम लोग कम से कम 10 साल जैसा चला जाता है और इसमें हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग कर सकते हैं। जैसे सर ये हम लोग का है फीड है फ्लोटिंग प्लेटेड फीड, ये जो फीड है आप देख रहे हैं ना, यहाँ इसमें क्या है 40% 25% होता है और ये फ्लोट करेगा। तो कोई भी फीड जब फ्लोट करेगा मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये एज ए साइंटिस्ट आपका क्या मानना है, हम अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि मैं को एक एंटरप्रेनर बनना चाहता हूँ, कौन सा फीस को हम यहाँ में सोच करेंगे कि हम जी हम लोग अलग अलग वैरायटी का मछली रख सकते हैं, जैसे कॉमन कप हो गया, सिल्वर कप हो गया, कॉमन कप सिल्वर कप ग्रास कप, ये जो मछली है ठंडा सीजन में अच्छा बड़ा होता है। उसके बाद भी हम लोग का इंडियन मेजर कप जैसे होते हैं रोहू, कतला, मृगला, एक्चुअली हम लोग का स्पेसिफिकली देखिए मछली बहुत आ रहा है इसका वीडियो भी हम देंगे। वैसे मैं जानना चाहिए कि ये जो है कितने स्क्वायर फीट है, ये कितने स्क्वायर मीटर का होता है? 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा है, 80 मीटर चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा, 300 मीटर स्क्वायर है, इसका 300 स्क्वायर मीटर है। इसलिए बेसिकली अगर हम 300 स्क्वायर मीटर अगर हम फोन करना चाहिए तो इन्वेस्टमेंट कितना देंगे आपका? पहले है कि एक्सकेवेशन कॉस्ट, मतलब पहले जो गड्ढा खोदना पड़ेगा और गड्ढा खोदने पे आपका एक जैसे भी एक दिन में वो पोन खोद देंगे तो जनरल लमसम 20,000 से लेके 30,000 का बीच में आपको खोदने के लिए काम हो जाएगा। और बाकी पोल्ट्री का भी ऐसे 20-30,000 रुपये लगेगा, तो मोर देन 50 से लेके 70,000 का बीच में आपका एक पोन आराम से, तो हम 70,000 से एक पोन आराम से आराम से बना सकते हैं। 70,000 से हम एक पोन खोद सकते हैं, तो कितना क्वांटिटी हम मछली डालना पड़ेगा? हाँ, आप यहाँ से अराउंड 1,000 मछली आराम से यहाँ 1,000 पीस डाल सकते हैं। कल फीस हाँ, जो जो कतला, रोहू, मृगला, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प अलग वैरायटी कर सकते हैं। एक दिन में हम कितने केजी खाना देने चाहिए, इसमें डिपेंड करेगा आपका मछली कितना साइज का है। सपोज इनिशियली आपका कम देना पड़ेगा, जैसे आपने 1,000 मछली डाल दिया तो इनिशियली 100 ग्राम तो 5% डालने से हो जाएगा, यानी हम लोग 2-5% बॉडी वेट मछली डालना पड़ता है। इसीलिए हम लोग 5% डालते हैं तो जब मछली बड़ा होता जाएगा तो उसका मतलब दाना का क्वालिटी हम कम करते हैं।
अगर 1 डे देंगे तो हम 100 ग्राम से मछली दाना डालेंगे। हाँ, जब धीरे अब कल से 3 महीने 6 महीने 5 महीने हो जाएगा तो आधा किलो उसके बाद 1 किलो तक हम लोग मछली डालते हैं। अभी हम लोग इसको कितना महीना का हम कमर्शियल में लाएंगे, कमर्शियल करेंगे ये। अगर आप लोग का सब सही चला गया, आपका अगर वैरायटी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, फीडिंग रेट अच्छा है, तो एक साल में आप आराम से 500 ग्राम से लेके 1 केजी तक मछली ला सकते हैं। 1 केजी तो हम एक साल में ला सकते हैं। तो आप अगर 1000 तो मोर लेस 60 से 7000 आपका खर्चा मतलब प्रॉफिट ले सकते हैं।